शुरू करते हैं। आप अपने मोबाइल को रोटेट कर दीजिए, थोड़ा इसको आड़ा कर दीजिए, स्क्रीन बड़ी आती है, रिकॉर्डिंग अच्छी होती है। ऐसे घुमा दीजिए उसको, अब सही आ रही है सर। हाँ अब ठीक है। ये कांच वगैरह लगे हुए, कहाँ बैठे हो? हाँ सर ट्रेन में हो। अच्छा ट्रेन में हो क्या? तो कैच कर लेगा नेटवर्क ही? जी सर कर लेगा सर, अभी तक तो फिलहाल ठीक चल रहा है। ओके ओके, तो आप होल्ड करना। चंद्र प्रकाश जी ठीक है जी सर, आप जयेश जी के बाद रेडी रहेंगे? जी सर बिल्कुल ठीक है, सेकंड नंबर आप तैयार रहना। जी जयेश जी। जी सर नमस्ते। नमस्कार, आपका म्यूट है अभी, उसको हटा दीजिए। ठीक है सही है। अच्छा ये बताइए जयेश जी कि जो ये नक्सलियों का हमला हुआ है जी, ये कहाँ हुआ है अभी? ये अभी छत्तीसगढ़ के अंदर जगदलपुर एक जगह है, जहाँ पे तर्रेम और सिलगेर नमक जगह है, वहाँ पे हुआ है। क्या कारण है नक्सली बार बार हमला करते हैं? जी सर ऐसा पहले भी कई बार देखा गया था कि नक्सली जो है, जो साम्यवादी अतिवादी विचारधारा है उससे प्रेरित है, और वो अपने अधिकारों के लिए जो है वो कई बार हमला करते रहते हैं। अच्छा क्या विरोधाभास क्या है नक्सलियों का सरकार से? जी सर इसके बारे में पक्ष रखा जाता है कि नक्सली जो है वो उनका काफी टाइम से शोषण हो रहा है, और उनको जो अधिकार मिलने चाहिए राजनीतिक सामाजिक आर्थिक, वो अधिकार कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल रहे हैं, तो वो जो है सरकार से चाहते हैं कि नहीं तो क्या कोई शामिल करें सरकार के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध अटैक करके क्या इनको कोई अधिकार मिल पाएंगे? जहाँ तक सर मैं समझता हूँ राज्य के विरुद्ध ऐसा अटैक करेंगे तो वो अपने अधिकार नहीं ले पाएंगे सर, लेकिन ये है कि हो सकता है उनके पीछे किसी ऐसे आतंकवादी संगठन या माओवादी संगठन का भी हाथ हो सकता है सर, जो उनको उकसाते हैं ऐसा काम कार्य करने के लिए। नहीं तो ये तो स्पष्ट नजर नहीं आता आपको कि नहीं लगता आपको कि ये इनके पास में इतने अत्याधुनिक हथियार और पैसा वर्दी ये सब कहां से आते हैं? कोई तो इनको स्पॉन्सर कर रहा है इसका मतलब? जी सर बिल्कुल, जब ऐसी 2009 और 10 में भी ऐसा कई बार देखा गया था, जब 76 जो हमारे जवान है वो शहीद हो गए थे, तो उस समय भी देखा गया, जितने 2013-14 में भी हमले हुए उसमें भी यही देखा गया, तो सर जरूर ऐसा कह सकते हैं कि इनके पीछे जरूर किसी ऐसे आतंकवादी संगठन जो इनको फंडिंग करता है, जो इनको वेपन जो है वो प्रोवाइड करवाता है, ट्रेनिंग देता है। कई बार ये भी देखा गया कि महिला जो नक्सली है वो भी हमला करते पाए गए, महिलाएं भी शामिल है इसमें। जी सर बिल्कुल। क्या विचारधारा का उद्भव क्या कहां से हुआ है और क्या कंसेप्ट है ये पूरा? जी सर ये बेसिकली सर इंडिया में ये 1969 से जो है वो देखा जाता है, वो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के अंदर एक जगह है नक्सलवाड़ी, वहाँ से जो चारू सान्याल और खाना जो है वो उन्होंने जो आक्रमण करने शुरू किए थे, और बेसिकली इंडिया में वहां से माना जाता है, लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि ये साम्यवादी अतिवादी विचारधारा से प्रभावित है, और जो अपने शोषण के विरुद्ध और आर्थिक सामाजिक अधिकार प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। ओके तो अच्छा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपने कहा साम्यवाद, जी सर साम्यवाद क्या है? साम्यवाद का अर्थ सर ये लिया जाता है कि वो कहीं ना कहीं सामाजिक समानता चाहते हैं और श्रमिक वर्ग पे अधिक ध्यान देते हैं, और सामाजिक समानता राजनीतिक अधिकारों के लिए वो हिंसा को भी हिंसात्मक रास्तों को भी अपनाते हैं। ओके, एक दो तीन कंसेप्ट ऐसे मिलते जुलते हैं, साम्यवाद समाजवाद पूंजीवाद और जो, अच्छा इन तीनों के बारे में बताएं, साम्यवाद समाजवाद और पूंजीवाद। जी सर साम्यवाद जो है बेसिकली एक ऐसी कट्टर विचारधारा है
जिसके माध्यम से जो है वो हिंसात्मक साधनों का भी प्रयोग करते हैं अपने सामाजिक राजनीतिक आर्थिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। समाजवाद वह विचारधारा है जिसमें सामाजिक संसाधनों पर सरकार का जो दायित्व है वो अधिक होता है और वो सामाजिक समानता में विश्वास करते हैं। इसमें बेसिकली श्रमिक और कृषक वर्ग जो है वो शामिल होते हैं। और पूंजीवाद में सर ये देखा जाता है कि सरकार या जो प्राकृतिक संसाधन है उनपे अधिकतम सरकार की भूमिका कम होकर के जो है वो पूंजीवादी जो लोग है उनका अधिक रहता है। और पूंजीवाद में सर ये जो होते हैं वो मशीनरी को और अधिकतम प्रॉफिट मशीनरी का यूज करते हुए अधिकतम प्रॉफिट पे काम करते हैं। क्या समाजवाद के उदय का कारण पूंजीवाद है? सॉरी सर, अभी मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, आपने कहा कि समाजवाद में भी श्रमिक और मजदूर हैं और साम्यवाद में भी श्रमिक और मजदूर हैं, तो क्या दोनों मिलती जुलती विचारधारा नहीं है? बिल्कुल सर, ये जो समाजवादी कंसेप्ट है वो जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि वो साम्यवाद से ही प्रेरित है सर। ओके, तो भारत में फिर कौन सा समाजवाद है? क्या साम्यवाद वाला समाजवाद है? नहीं सर, भारत में समाजवाद है जहाँ पे एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते समाज के संसाधनों पर समाज का ही अधिकार है और सामाजिक समानता पर विश्वास करता है। ओके, ये कंसेप्ट दिया किसने था, कम्युनिज्म वाला? सॉरी सर, इसके बारे में एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना है? जी सर, बताएं उनके बारे में। कार्ल मार्क्स सर एक रशिया के प्रमुख विचारक थे और उन्होंने सर अभी वो ठीक है कॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, बताइए। उन्होंने कार्ल मार्क्स ने सर साम्यवाद की जो थ्योरी है वो दी थी कि इसमें सामाजिक समानता और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग भी किया जा सकता है और वो कहीं ना कहीं हिंसा में जो है विश्वास करते थे सर। ये चीनी साम्यवाद और रूसी साम्यवाद में अंतर बता सकते हैं? सॉरी सर, मैं अभी नहीं बता। अच्छा, ये नक्सलियों के विरुद्ध सरकारी अभियान चलाए हैं? जी सर, हाँ बता पाएंगे आप? जी सर, नक्सलियों के विरुद्ध जो है सरकार ने 2005 से ही एक सलवा जुड़म कार्यक्रम है वो चलाया गया और उसके बाद में सर एक आंध्र प्रदेश मॉडल है 2009 में सर उसको लागू किया गया। और दूसरा अभी आंध्र प्रदेश मॉडल में सर जो भी नक्सलवादी जो क्षेत्र थे उनके जिलों को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके उनमें एजुकेशन को बढ़ावा दे करके और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वहाँ के जो स्थानीय नेता थे उनके साथ में शांति वार्ता के लिए प्रयास किए गए थे और ये काफी हद तक सर ये सफल रहा था मॉडल। और अभी सरकार जो है इस मॉडल पे काम कर रही है कि एक तो बेहतर उनको जो सरेंडर कर देते नक्सलवादी उनको बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था करती है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करती है और पुलिस को जो है वो ऐसे काउंटर जो प्रोपेगेंडा अपनाने के लिए जो है काबरा पुलिस फोर्स भी वहाँ पे स्थापित की गई थी। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रोड प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं और एक साथ इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति भी गवर्नमेंट ने अपनाई है। सलवा जुडूम क्या है? आवाज कट रही है, वापस बताएं, आपकी आवाज कट रही है। सॉरी सर, मैं इसके बारे में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके ओके ओके, एक व्यक्ति है उनका नाम है हेमंत विश्व शर्मा, कौन है? सर वापस दोहराएंगे सर प्रश्न? हेमंत विश्व शर्मा सर इनके बारे में मैं नहीं जानता। ओके, एक
ऑपरेशन वज्र प्रहार है। इसके बारे में कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको जरूर देखूंगा सर। ओके ओके, देखिए रिव्यू कर लेते हैं। गौतम सर हमारे साथ आ चुके हैं। तो ये वज्रप्रहार थलसेना का एक अभ्यास है, और जो हेमंत विश्व शर्मा है ये मुख्यमंत्री है जो अभी चर्चा में रहे हैं। आवाज आ रही है आपको? हाँ, तो ये अभी चर्चा में रहे हैं। इन पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे प्रचार पर रोक लगा दी थी। इसका कारण था कि इन्होंने बोडोलैंड फ्रंट के एक नेता हैं हगरा महिलारी, उनको आरोप है कि उनको इन्होंने धमकाया, तो इसलिए ये चर्चा में रहे। बाकी आप अगर नक्सलवादी घटनाक्रम पर ध्यान देते हैं तो इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो सबको अच्छे से पढ़ें। औद्योगिकीकरण और जो पूंजीवाद और ये सब जो घटनाक्रम है इसको थोड़ा, एक समाजवाद दो प्रकार के हैं, एक यूरोप का समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद, तो उसको भी देखें, एक भारत जो कम्युनिज्म का समाजवाद है वो भी है, तो भारत ने एक्सेप्ट किया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। बाकी ओवरऑल आपके उत्तर अच्छे हैं, कंसेप्ट अच्छा है और करंट पे आपकी पकड़ बढ़िया है, तो थोड़ा इसको और बढ़िया तैयार करें। बाकी बोलने का जो वे है आपका, वे ऑफ टॉकिंग और शब्द चयन धैर्य बढ़िया है आपका, ठीक है। हमने आपको थैंक यू सर। जी जी गौतम सर, थैंक यू सर। यस सर। जी हमारे साथ हैं जयेश, जयेश जी से बात करें सर, शुरू करें। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ गुड इवनिंग जयेश जी, आपने हिंदी हिस्ट्री और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है आपके पास? जी सर। गुड, जोधपुर से जो है ना आप है, जोधपुर में हाईकोर्ट में सर्विस करते हैं आप? जी सर। क्या क्या जॉब है वहाँ का, वो क्लियर मैं पढ़ नहीं पाया था उसको। सर मैं राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक के पद पे काम करता हूँ। मुझे अभी ऑल एम्प्लॉइज के सैलरी बिल बनाने और ये बिल बनाने का काम निर्देशित किया गया है। नहीं आप थोड़ा सा जोर से बोलिए ना। जी सर, मुझे अभी सैलरी बनाने का और टीए बिल बनाने का कार्य निर्देशित किया गया है। मैं कनिष्ठ न्यायिक सहायक के पद पे कार्यरत हूँ। मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार होके आए ना? जी सर। तो आप टी शर्ट जो है ना आप पहन के क्यों आए आप? सर जयेश जी, सर जयेश जी कहीं जा रहे हैं तो ट्रेन से इंटरव्यू दे रहे हैं सर, ट्रेन में अभी। अच्छा सर, मैं अभी कोई ऑफिशियल काम से जयपुर आया हुआ था सर, अभी जस्ट निकल रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी लेकिन आप ध्यान रखना उस दिन, जिस दिन आप जाना है इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप ड्रेसअप होके जाइए, प्रॉपर ड्रेसअप है ना। चलिए, आपके हिंदी का एक 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 स्टेटमेंट आपको मैं सुना रहा हूँ। ये हेलो जी सर, हिंदी का एक स्टेटमेंट मैं सुना रहा हूँ, किसी जो है ना कवि का है वो, और वो उस समय जो है मतलब बहुत प्रचलित हुआ था जब जो है ना आजादी की लड़ाई मतलब चल रही थी और लोग जो है ना परेशान हो रहे थे उसको, तो उस समय जो है ना ये जो है ना मतलब स्टेटमेंट बहुत लोगों को प्रेरणा दी थी इसने। उस स्टेटमेंट को मैं सुनाना हूं, आप किसका है ये बताना बस। योग्य जन जीता है, योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, गीता है, जागो फिर एक बार जागो, ये किसने कहा है? माफी चाहता हूँ सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा चलिए, आपने ये आपके हॉबी में आपने जो है ना ढोलक बजाना लिखा है, आप ट्रेन में बैठे हैं आई थिंक? यस सर। गुड, चलिए, आप ढोलक बजाना कब से सीखा आपने? सर 2010 में जब हमारे घर में सर चतुर्मास सत्संग का कार्यक्रम होता था, तो उस समय सर मेरे दादाजी थोड़े आध्यात्मिक नेत्र के रहे हैं, तो उनके साथ में मिलके और जो भी गुरुजी के साथ कलाकार आए थे तो मेरी उत्सुकता रहती थी ढोलक बजाने की, तो लगभग 4 माह तक हमारे सत्संग का कार्यक्रम हुआ, तो डेली मैं बजाते बजाते सब सीख गया, फिर इसके प्रति मेरा जो रुझान है वो बढ़ गया। गुड गुड गुड, आपको ये बजाकर कैसा लगता है, हाउ डू यू फील? जी सर, जब भी मैं ये बजाता हूँ तो अपने आप को आनंद की अनुभूति होती है और तनाव मुक्त और सकारात्मक माहौल जो है वो मैं अनुभूत करता हूँ। गुड 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 गुड, एक जो है ना ये कहावत है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी जो है ना वाद्य यंत्र को या संगीत को बजाता है तो आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा क्यों मानते हैं सर?
मेरा इस पे ये मानना है कि जब भी हम अपने रुचि के अनुसार, जब अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो काम करते हैं तो उसमें हम पूरे तरह से रम जाते हैं सर। जब हम इसमें पूरे तरह से रम जाते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई मानसिक और जो चिंता है वो तनाव हमें फील नहीं होता है सर, और हम उसी पे पूरा अपना ध्यान करते हैं सर। इसको ब्रह्म के आनंद की अनुभूति इसीलिए कहते हैं। आप बढ़ते भ्रष्टाचार पर कैसे जो है नियंत्रण पाएंगे? आप इन दोनों में बहुत चर्चा में रहा है ये। जी सर, भ्रष्टाचार सर एक व्यक्तिनिष्ठ सामाजिक बुराई है सर, ना कि एक सिस्टम भ्रष्ट है। जब इसलिए सर भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए तीनों स्तर पर प्रयास होने चाहिए, जो रिश्वत देता है उस स्तर पर भी, और रिश्वत लेता है उसके स्तर पर भी, और जनता में जागरूकता के लिए भी सर प्रयास करने चाहिए। और मैं सर इसके लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है वो अपनाऊंगा सर, और जितना हो सकेगा उतना पारदर्शिता को महत्व दूंगा, और इसके लिए डिजिटलाइजेशन और जो जनता में जागरूकता है लाने का उसके लिए प्रयास करूंगा सर मैं। आरएस बनकर आप क्या करना चाहते हैं समाज में के लिए आप खासतौर से? जी सर, सबसे पहले तो मैं सरकार की जितने भी योजनाएं हैं उनको और बेहतर तरीके से लागू करूंगा और अंतिम वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा सर। और दूसरा सर, मेरे जो कुछ प्राथमिकताएं रहेगी क्षेत्र विशेष के सारे डेटा एनालिसिस करके कुछ मैं प्राथमिकताएं तय करूंगा, और प्रत्येक वर्ग को के अनुसार मैं सर अपनी योजनाएं बनाऊंगा। जैसे कि बालिकाओं के लिए अलग से एक योजनाओं का पैकेज तैयार करूंगा, और महिलाओं के लिए वृद्ध जो वृद्धजन है उनके लिए योजनाएं जितनी भी है उनका एक पैकेज तैयार करके इस प्रकार की सर मैं योजनाएं बनाऊंगा। और सर जहां तक मैं देखा जा रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन वर्क काफी ज्यादा होता है, तो इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क कम हो, और गांव के जो वॉलंटियर्स है जो सेवा देना चाहते हैं उन वॉलंटियर्स की मैं सर हेल्प लूंगा, ताकि अधिक से अधिक योजनाओं की जानकारी वो आम जन तक पहुंच पाए। इंसान इतिहास जो है इंसान को क्या सिखाता है? हिस्ट्री के आप स्टूडेंट, हिस्ट्री भी आपके पास रही है। यस सर, इतिहास से सर वैसे अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है सर। इतिहास से हमें अपने ऐतिहासिक राजनीतिक सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है सर, और दूसरा यहाँ से हम जितने भी नैतिक आदर्श उच्च मूल्य हैं जैसे कि इसके अहिंसा हृदय परिवर्तन की नीति मध्यम मार्ग की नीति, ये उच्च आदर्शों की जो है वो अपने जीवन में हम सीखते हैं। और इतिहास में सर सबक लेते हैं कि जो गलतियां उस समय हुई थी वो गलतियां वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न होकर के भविष्य के लिए जो है सकारात्मक मार्गदर्शन भी हमारा इतिहास करता है। जो हिंदी जो है ना, हिंदी को आप राजस्थान में प्रशासनिक सेवा में रहते हुए इसको किस तरह से लेंगे और इसका किस तरह से प्रसार करना चाहेंगे आप? अभी राजस्थान कोर्ट हाई कोर्ट में भी जो ना हाई कोर्ट में भी है जबकि इंग्लिश ही चल रही है, तो व्हाट विल यू डू एट दैट टाइम? मैं खुद ही इंग्लिश बोल गया शब्द। ओके सर, क्योंकि सर हाई कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद के तहत सर इंग्लिश भाषा को ही सर अपनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, लेकिन सर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस नाम का सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें नौ भाषाओं में प्रत्येक जजमेंट का जो है वो अनुवाद करने की व्यवस्था रखी गई है, ताकि आमजन को भी जो जजमेंट की लीगल की इंग्लिश लैंग्वेज मानी जाती है उनको आम जनता तक वो समझ पाए सर। और मैं सर हिंदी अपने जब की राजभाषा है तो इसको बढ़ावा देने के लिए मैं सारे पत्राचार जो है वो हिंदी भाषा में करूंगा सर, और इसके लिए जो समाज स्तर पर है और स्कूल लेवल पे हैं वहाँ पे भी मैं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी में निबंध लेखन प्रतियोगिता है वो आयोजित करूंगा, और जितना हो सकेगा मैं संवाद हिंदी भाषा में ही स्थापित करने का प्रयास करूंगा। दो सवाल और पूछूंगा मैं आपसे। एक जो है ना फॉरेन एक्सचेंज हमारा किसमें खरीदने में खर्च हो जाता है सबसे ज्यादा? हमारा जो रिजर्व होते हैं फॉरेन एक्सचेंज होती है फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वो किसमें सबसे ज्यादा हम इन्वेस्ट करते हैं, इसमें किसमें खर्च होता है हमारा? सर अधिकतम तो सर उपभोग योग्य वस्तुएं हैं सर वो आयात करने में उनका उपयोग होता है सर, जैसे कि तेल हो गया, क्रूड ऑयल है। हम भारत से सबसे ज्यादा निर्यात क्या करते हैं? जी सर
इसमें इंजीनियरिंग गुड्स है सर, और उसके बाद में सर जेम्स एंड ज्वेलरीज है। आपने तो ज्योग्राफी तो पढ़ी है ना, ज्योग्राफी में है ना निर्यात की जो ना सामग्री में है सर, इकोनॉमिक्स में है सर मेरे। अभी सर मैं दो ही रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, माफी चाहता हूँ, मैं इसको और अच्छे से देखूंगा सर। जी सर, चलिए चलिए चलिए, मैं आपका रिव्यू कर लेते हैं। हेलो, जब यहाँ आजादी की लड़ाई चल रही थी ना, और लोग डिप्रेस हो रहे थे कि भाई ये गांधी जी जो है ना, मतलब वो उन्होंने जो है ना वो समर्पण कर दिया था, सहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो लोग ये सोच रहे थे कि अब हम कैसे जीतेंगे, इस तरह से जो है बीच बीच में वापस ले लेंगे तो, है ना। हेलो, तो ये हेलो, उस समय निराला ने कहा था, ये निराला ने, कवि निराला ने, कि योग्य जन जीता है। त्रिपाठी निराला, हाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था कि योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं। पश्चिम की उक्ति से क्या मतलब है, ये केवल डार्विन ने नहीं कहा है, ये कृष्ण ने कहा है, कृष्ण भगवान ने कहा है कि योग्य जन जीता है, मतलब जो समर्थ व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, वो ही जीता रहेगा। अगर आप जो ना आजादी के लिए जो ना कोशिश नहीं करेंगे तो हार जाएंगे, तो फिर सरेंडर कर देंगे, तो आप जो ना मतलब देश को आजाद नहीं करा सकते। तो ये डार्विन का सिद्धांत नहीं है, सबसे पहले कृष्ण ने कहा है, जो निराले के पीछे कहने का जो ना यही मकसद था, योग्य जन जीता है। और ये आपके लिए हर एक स्टूडेंट ट्राइंग फॉर आरएस के लिए ट्राई कर रहा है, उनके लिए भी ये सिद्धांत बहुत ज्यादा लागू होता है, कि योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, जागो एक बार फिर जागो। ठीक है, ये निराला ने कहा। वाद्य यंत्र बजाने से, मैंने आपसे जो ना सवाल किया था, तो आपने बताया था शांति और तन्मयता इसमें मिलती है, इसको ब्रह्म के आनंद की अनुभूति कहा जाता है। राज्य सेवा में जो है रहते हुए आप उस ऐसी शानदार शांति को छोड़कर आप क्यों आना चाहते हैं, ये मैंने पूछा था शायद आपसे, तो हाई कोर्ट में रहते हुए आप ऐसा क्यों आना चाहते हैं, तो आप बता रहे थे कि मैं जो है ना जनता की सेवा करना चाहता हूँ, और दूसरे मल्टीफेरियस जॉब है ये। एक आपसे पूछा था भ्रष्टाचार पर, आपका ऑलमोस्ट सही जवाब, भ्रष्टाचार पर आपका सही जवाब था वो ऑलमोस्ट। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इतिहास इंसान को क्या सिखाता है, ये इसमें एक चीज आप भूल गए थे, इतिहास ने अगर इतिहास में जो गलतियां हुई है उसको वापस हम ना दोहराएं। सर मैंने ये बोला था सर, मैंने कहा सर ये उससे सबक लेना चाहिए, ताकि वो गलतियां फिर से ना दोहराएं और वर्तमान और भविष्य के लिए एक सकारात्मक। गुड गुड, ठीक है, मुझे ध्यान में हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं रहा हो। हिंदी जो है ना आप का जो है ना वो आप प्रशासनिक सेवा में आप रहते हुए इसका जो है ना प्रयोग बढ़ाएंगे, ये आप कह रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में तो इसका जो है ना अब हिंदी तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन हमारे अटल जी ने और बहुत सारे लोगों ने इसके प्रयास किए हैं, तो आप प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली हम सफल होंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। हमारे देश में स्वदेशी बढ़ावा देने के लिए भारत को माल के निर्यात की संभावना, एक क्वेश्चन पूछा था, फॉरेन एक्सचेंज खर्च फॉरेन एक्सचेंज वाला सर, ये मेरे को नहीं करता। हाँ, तो वो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, पेट्रोलियम जो है रॉ जो है उस पर ही सबसे ज्यादा खर्च होता है, मैक्सिमम हमारा पैसा दूसरा जाता है। भारत में जो है ना आप बता रहे थे हमारा सबसे ज्यादा जो है ना निर्यात ज्वेलरी के साथ साथ क्लॉथ पर भी है, और दूसरे जो है ना ग्रोसरी और ऑस्ट्रेलिया पर भी हम काफी निर्यात करते हैं, लो आयस्क जो है चाइना को, उनको कंट्रीज को हम लोग जो है निर्यात करते हैं, तो ये सब चीजें आप देख लेना। इन दोनों में वैसे जो सबसे ज्यादा तो ये पूछ रहे हैं कि जो आरपीएससी में ये पूछा जाता है कि आप क्यों बनना चाहते हैं, आप क्या करेंगे और किस तरह की आपका मतलब, तो ये एटीट्यूड आपका जो है वो ज्यादा दिख रहे हैं मतलब लोगों का, कि आपका वे ऑफ जो है वर्किंग क्या रहेगा, आप जनता को क्या देना चाहते हैं इसमें आकर, इतनी सारी डिस्टर्बेंसेस रहते हैं इसमें राज्य सेवा में, तो उसमें रहते हुए आप क्या जो है ना कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। एनी हाउ, आपने बहुत अच्छे जो है प्रेजेंटेशन था आपका, एंड आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छी तैयारी और कीजिए। कब है आपका? 16 अप्रैल को है। 16 अप्रैल को, गुड, अभी आपके पास यू हैव ए टाइम, सफिशियंट टाइम है, तो आप तैयारी कीजिए, न्यूज पेपर आप रेगुलरली पढ़ना और उसके अनुसार आप थोड़ा सा तैयारी करना। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक सर। और क्या कोई बड़ी कोई मिस्टेक सर जो मैंने अभी की हो और वो नहीं? हेलो, हाँ हाँ, मैं क्या, पार्डन, आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, आई एम हियरिंग, बोलिए।
हेलो हेलो सर, ये पूछ रहे हैं कि मैंने बताएं मुझे हाँ हाँ ये कोई मिस्टेक अगर की हो तो उसके बारे में बताएं। क्या सर? मिस्टेक? नहीं नहीं, मिस्टेक विस्टेक तो कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं है। ये तो मैंने जनरल क्वेश्चन पूछे थे इनको, बहुत ज्यादा जनरल क्वेश्चन थे सारे, और कोई मिस्टेक विस्टेक नहीं हुई है। ऑलमोस्ट इनके जवाब सही थे सारे, ऑलमोस्ट। आपकी स्टडी अभी और अच्छी, बहुत स्टडी है, और अच्छी स्टडी कीजिए। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। जी सर, अभी सर रिवाइज कर रहा हूँ। हाँ गुड गुड जी। राजेश सर, जी जयेश जी, सुन पा रहे हो? नमस्ते सर। नमस्ते। जयेश जी, आप जोधपुर से हैं? यस। तो मुझे ये बताइए, मारवाड़ और मेवाड़ का क्या संबंध रहा है, शॉर्ट में बताइए। सर, मारवाड़ और मेवाड़ का प्राचीन काल से ही संबंध रहा है। जब मारवाड़ की उत्पत्ति, सॉरी सर, राव जोधा जी ने जब मारवाड़ में मेहरानगढ़ किला स्थापित किया था, और कंवर बावड़ की संधि समय सर 1453 में हुई थी, और मारवाड़ के राजवंश का भी मेवाड़ के वंश के साथ में संबंध रहा है। सर, जोधा जी की जो पुत्री है उनकी शादी भी मेवाड़ शासक के साथ की थी। अच्छा, एक वो पाती पेरवन की परंपरा थी, उससे कोई रिलेशन हो सकता है क्या मारवाड़ और मेवाड़ का? सर, एक बार प्रश्न वापस दोहराएंगे सर? जी, मैं पूछ रहा हूँ, एक पाती पेरवन परंपरा होती थी, पाती पेरवन, उससे रिलेट कर सकते हैं? जी सर, महाराणा सांगाजी के समय सर पाती पेरवन की प्रथा चलाई गई थी, जिसमें सांगा ने जो है राजस्थान के समस्त राजवंशों को जो है मुगल सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए। मारवाड़ से सेना लेकर कौन गया था? सर, राव मालदेव। अच्छा, और फिर ये क्या रोल रहा है मालदेव का इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में क्या रोल है मालदेव का? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। जब राव मालदेव का शासन था मारवाड़ में, तब गद्दी पर जब बैठे थे, तब भारत की सत्ता किसके हाथों में थी? जी सर, उस समय मुगल सल्तनत का ही शासन था। मुगल सल्तनत बोल सकते हैं क्या उसको? सॉरी सर, मुगल शासन के शासन व्यवस्था थी सर। कौन थे उस वक्त शासक? हुमायूं। ठीक है, अच्छा, चलिए आप ये बताइए, जो ये जो युद्ध हुआ था राव मालदेव और शेरशाह के बीच, इसका कारण क्या था? माफ़ी चाहूंगा सर, कौन से? शेरशाह और मालदेव जी के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसका कारण बताइए आप। जी सर, शेरशाह महत्वाकांक्षी शासक था, और वो चाहता था कि वो संपूर्ण मारवाड़ और मेवाड़ जो रियासत है उन पे शासन करें, और दूसरा सर ये था कि उस समय जो मुगल सत्ता थी उनके और शेरशाह की जो बीच में एक तरह से सर प्रतिस्पर्धा थी कि वो अधिकतम क्षेत्र पर साम्राज्य का विस्तार कर सके। अच्छा, ये मालदेव, मैं दो ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। हशमत वाला राजा कहा जाता है, हशमत वाला राजा, क्यों, क्या कारण है? जी सर, हशमत वाला शासक इसलिए, वो बड़े राज से खाट से रहता था, इसलिए सर उसको हशमत वाला शासक कहते हैं। श्योर है आप? सर, यश वैभव और राष्ट्रीय खातवाद के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं। आपके वहां पर ये खेजड़ली आंदोलन के अलावा एक और घटना हुई थी वृक्षों के, वृक्षों को बचाने के लिए, आप बता सकते हैं खेजड़ली के अलावा कहां पर घटना हुई थी? यस सर, तिलवासनी और रामासनी गांव है सर, वहां पे वृक्षों को बचाने के लिए रमाबाई के नेतृत्व में हुआ था सर।
अच्छा तो ये घटना कब हुई थी आप बता सकते हैं? चलिए कोई बात नहीं। खेजड़ी का जो फूल होता है उसको क्या बोलते हैं? मिंजर कहते हैं सर। वेरी गुड। चलिए माचिया सफारी के बारे में जानकारी है आपको? माचिया सफारी पार्क जी सर, जोधपुर में स्थापित पहला बायोलॉजिकल पार्क है माचिया सफारी पार्क। कब हुई थी स्थापना? इसमें कोई बात नहीं। एक आई माता जी का वहां पर मंदिर है बिलाड़ा में, वहां कहा जाता है केसर टपकती है, तो केसर की वास्तव में बारिश होती है क्या वहां पे? यस सर, आई माता जी का मंदिर है बिलाड़ा में, वहां पे आज भी सर ऐसा देखा जाता है कि आई माता के जो पर्चे हैं तो उनके पुण्य प्रताप से केसर टपकती है। वहाँ के दीवान साहब जो है उनके प्रत्यक्ष साक्षी होंगे। ठीक है, अब समीक्षा कर लेते हैं आपके। देखिए, एक तो आप हिस्ट्री से हैं, ठीक से सुनिए, आप हिस्ट्री से हैं, आपसे हिस्ट्री का ही क्वेश्चन पूछा गया था कि जोधपुर का या मारवाड़ का और मेवाड़ का संबंध, तो आपने स्टार्टिंग में ही देख लीजिए एक शब्द थोड़ा सा गलत यूज किया है कि मुगल सल्तनत। सल्तनत काल तो अलग ही था बिल्कुल, ठीक है, तो ऐसे शब्दों के प्रयोग से आप बचें, ठीक है, तो आपकी विषयगत ज्ञान को परखा जाता है वहां पर, ठीक है, तो आप एक एक शब्द वहां पर तोल मोल के बोलें क्या बोला जा रहा है आपके द्वारा, तो उसका ध्यान रखें। सल्तनत नहीं बोलेंगे उसको, मुगल राजवंश, ठीक है, या मुगल वंश बोलते हैं आप। फिर देखिए, मैंने पूछा आपसे कि मालदेव का आपके खानवा के युद्ध में क्या रोल रहा? तो रोल तो सबसे बड़ा यही है कि जो महाराणा सांगा घायल हो गए थे इस युद्ध में, तब वो बचाकर लेके गए थे मालदेव जी, ठीक है, तो ये रोल रहा उनका सबसे महत्वपूर्ण। एक मैंने आपसे ये पूछा कि माचिया सफारी पार्क को बायोलॉजिकल पार्क कब बनाया गया, तो ये आप 2016 इसमें ध्यान रखें, पूछ लिया जाता है कई बार। आई माता के बारे में आपको कुछ जनरल क्वेश्चन था कि केसर टपकती है, तो आपको थोड़ा सा उसमें बताना था कि क्या इसके पीछे लॉजिक है या नहीं, या सिर्फ आस्था का ये आस्था के कारण कहा जाता है। और खेजड़ी के वृक्ष का जो फूल होता है उसके बारे में आपका आंसर सही था। कुछ प्रश्न और थे हिस्ट्री से, ठीक है, जैसे आपके राजस्थान का जो क्या बोलते हैं ये युद्ध का कारण पूछा था मैंने आपसे, हशमत वाला राजा प्रबल राजा थे, ठीक है, उस वक्त इनको तो जो के जहांगीरी या अकबरनामा में भी बहुत शक्तिशाली शासक बताया गया मालदेव जी, ठीक है, और हिंदू बादशाह भी कहा चारण साहित्यकारों ने उनको, हिंदू बादशाह, ठीक है, ये कुछ चीजें और आप ऐड करते। और कारण आपने हशमत वाला क्या कहते हैं सर, इसके लिए क्या है जी? हशमत वाला शासक मतलब प्रबल शासक, शक्तिशाली, प्रबल शासक जी जी। और आपके ये जो कारण था इसमें आप कई चीजें और, ये तो कॉमन सी बात है, विस्तारवादी नीति थी, लेकिन एक आप इसमें शब्द जोड़ सकते हैं कि वो धर्म युद्ध घोषित किया था शेरशाह ने इस युद्ध, इस वजह से, या आपको पूछ लिया जाए कि कहां से कौन से रास्ते से होकर आक्रमण किया था शेरशाह ने, तो आपके जो बर दर्रा है वहां से इन्होंने अटैक किया था, और इसके पीछे का जो घटनाक्रम है उसकी थोड़ी सामान्य जानकारी रखें। मैंने सामान्य से क्वेश्चन लिए, इसके अलावा इकोनॉमिक्स मैंने ज्यादा नहीं पूछा आपसे। एक आपके ढोलक जो है उससे संबंधित जो वादन संबंधी, आप इसका प्रश्न तैयार रखें कि प्रशासन में क्या यूज लेंगे ढोलक वादन का, प्रशासन में क्या यूज हो सकता है? चलिए कोई बात नहीं, आप आंसर तैयार रखें इसका। और एक मैं पूछना चाह रहा था कि ये कौन से वृक्ष से बनाई जाती है ढोलक, ये भी आप याद रखें इसका क्वेश्चन, आंसर तैयार रखें। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है, ये थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपका एवरेज से थोड़ा ऊपर बोल सकते हैं इस मॉक को। सामान्य से प्रश्न थे जिनमें कहीं छोटी मोटी कमियां हैं उनको आप दूर करिए, शुभकामनाएं। आप जी राजेश सर हमारे साथ।